हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही ड्यूई सा, ग्लोई सा, सॉफ्ट सा पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेकअप। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लव अर्थ का रोज़ वाटर, पूरे चेहरे पर स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ स्पॉन्ज का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनका स्किन नॉर्मल स्किन था। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटर, काफ़ी अच्छा सा शाइनी सा इफ़ेक्ट देता है, तो उसे भी मैं पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर ले रही हूँ। इनके चेहरे पे थोड़ा सा कलर करेक्शन ज़रूरी है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स वगैरह है, वहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर लगा लूँगी। करेक्शन करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, लॉरियल का फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं फिटमी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाना है। सारे हाई पॉइंट्स और अंडर आइज़ में लगा लेंगे, जहाँ भी हाईलाइटिंग करनी हो। उसके बाद उसे पाउडर से सेट कर लेंगे। मैंने ADS का बनाना पाउडर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा सा बनाना पाउडर है, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत आई थिंक 150 तक में आपको मिल जाएगा। तो उससे पूरे चेहरे को सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं शुगर का पैलेट ले रही हूँ, जिसमें ब्लश, कंटूर, हाईलाइट तीनों हैं, तो उससे मैं कंटूरिंग करूँगी। जो कंटूरिंग हो चुका है, उसके बाद उसी पैलेट में से मैं ब्लश लूँगी और उसे भी अप्लाई कर लूँगी। ब्लश मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं उसे पाउडर से थोड़ा सेट कर ली थी, उसे कम कर ली। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं नीक्स का सेटिंग स्प्रे लूँगी और पूरे मेकअप को सेट कर दूँगी। इस बार मैं हाइलाइटर बाद में लगा रही हूँ, हमेशा मैं पहले लगाती थी, लेकिन आज मैं बाद में लगा रही हूँ। तो आप दोनों तरीके से भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। क्योंकि नॉर्मल स्किन है, कोई भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने क्या किया कि सारे एरिया पे, चीक एरिया पे भी लगा दिया है मैंने अच्छे से हाइलाइटर, ताकि थोड़ा सा शाइनी सा इफ़ेक्ट आए। फेस मेकअप हो चुका है, उसके बाद अब हम लोग आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इनका जो इनके आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूँगी, उसके बाद उसे पाउडर से अच्छे से सेट कर दूँगी, लॉक कर दूँगी। उसके बाद मैं आई मैजिक का पैलेट ले रही हूँ और उसमें से डार्क शेड ले रही हूँ, जो कि ब्राउन और पर्पल, मीन्स एक अलग सा ही कलर है, वो कलर लूँगी और
बहुत ही अच्छे से राउंड राउंड मोशन में करते हुए जाऊंगी ब्रश को और अच्छे से ब्लेंडिंग करूंगी। देखो मैं कितना, बस मैंने एक बार ही लिया और उससे ही मैंने पूरा अच्छे से अप्लाई किया है। इनर कॉर्नर में आपको हल्का रखना है कलर और आउटर कॉर्नर में थोड़ा डार्क रखना है। उसके बाद मैं उसी पैलेट में से थोड़ा गोल्ड शेड ली थी, बट वो मैंने लगाया ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने पर्पल कलर का ही डार्क पर्पलिश में ली कलर, और जो ग्लिटर वाला था उसमें से जो पर्पल कलर वाला था, ग्लिटर वाला शेड था, वो मैंने लिया। और देखो कितना अच्छा सा है ना, बिल्कुल कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बेस भी उसी कलर का दिया और जो ग्लिटर मैंने अप्लाई किया पिगमेंट वो भी सेम कलर का है, तो काफ़ी अच्छे से निकल गया है। उसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो लूँगी और स्मज करते हुए मैं स्मज लाइनर की तरह उसे लगा लूँगी। इसी तरीके से दोनों आईज पे लगा लेना है। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा इनका आईब्रो किया है, लिपस्टिक अप्लाई किया है, आईलैश अप्लाई किया है। उसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हो। इनकी जो प्यारी सी स्माइल है ना, वो पूरे मेकअप को, इनके ब्यूटी को, मेकअप तो ब्यूटी को इन्हांस कर ही रहा था, लेकिन इनका जो प्यारा सा स्माइल है ना, वो चार चांद लगा दे रहा था। तो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।